यहाँ से हमें चढ़ाई करते वक्त तकलीफ होगी, पर शॉर्टकट हो जाएगा ये एक तरीके से। मज़ा आ रहा है, मतलब इतना ढलान है तो ढलान में इतना कुछ समझ भी नहीं आता, जब कुछ चढ़ते वक्त ऐसी हालत टाइट हो जाती है ना। तो गाइज़ ये है चिड़ेश्वर महादेव का मंदिर। तो गाइज़ ये है चाचा ने बनाया हुआ स्पेशल चिली चिकन, गांव में बनाया चूल्हे पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है दोस्तों मंडे और अभी मैं और सुष्मिता हम दोनों जा रहे हैं गुत्तू मार्केट, और हम लोग रोड से नहीं जाएंगे। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, आज हम लोग पुराना रास्ते जाएंगे, है ना सुष्मिता, जहाँ से पैदल हम लोग जाते थे। तो आपको भी वो रास्ता बता दूँगा मैं। और हम लोग एक्चुअली मेरे काम से जा रहे हैं, जिस ज़मीन के पीछे थोड़ी सी दिक्कत चालू है, उसमें कुछ सिग्नेचर की ज़रूरत है, मुझे भी प्रोसेस पता नहीं है। तो अभी हम लोग गुत्तू जा रहे हैं, चलते चलते आपको रास्ते का नज़ारा भी दिखा दूंगा मैं। तो गाइस ये है वो रास्ता जो खेतों के बीच से जाएगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, रोड का रास्ता वहाँ से है। अगर हम रोड से जाएंगे टाइम ज़्यादा लगे, यहाँ से हमें चढ़ाई करते वक्त तकलीफ होगी, पर शॉर्टकट हो जाएगा ये एक तरीके से। देखो गांव ऊपर है सब, और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो गाइस ये जो नीचे आप सारे घर देख रहे हो, इसे कहते हैं तल्ला गवाना। तो हमारे पूर्वज जो थे वो पहले नीचे रहते थे, और क्योंकि हम लोग गवाणी थे इसीलिए हमारे जहाँ पे भी हम रहते थे उसका नाम पड़ गया गवाना। तो ये पहले हम नीचे रहते थे तल्ला गवाना, फिर हम लोग शिफ्ट होके ऊपर चले गए, इसके लिए अब ऊपर की जगह को बोलते हैं मथी गवाना। तो गाइस देखो यहाँ पे ऐसे गांव ही गांव से हम लोग जाएंगे। आप जब चढ़ाई करोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अभी तो उतरते वक्त मज़ा आ रहा है, मतलब इतना ढलान है तो ढलान में इतना कुछ समझ भी नहीं आता, जब कुछ चढ़ते वक्त ऐसी हालत टाइट हो जाती है ना, यहाँ पर नानी आ जाती है, क्योंकि एरिया ही पूरा ऐसा इंक्लाइन है। आप देखो ना, यहाँ पे हम लोग उतर ही रहे अभी तक, कहीं पे भी सीधा रास्ता आया ही नहीं है। तो गाइस अभी मैं जहाँ पे आया हूँ, बेसिकली मुझे गुत्तू जाना था, बट उससे भी पहले मुझे मेरे आराध्य हमारे गांव के जो मेन भगवान है चिड़ेश्वर महादेव, उनके मंदिर में माथा टेकना था। तो अभी तो मैं ज़्यादा अंदर जा नहीं सकता क्योंकि पट बंद हो रखे। तो ये है उनका त्रिशूल जहाँ पे रखा हुआ है और मंदिर नीचे है, तो पहले यहाँ पे माथा टेक लेते हैं। तो यहाँ पे तो होता है शिव जी का त्रिशूल जिनकी हम पूजा करते हैं, और यहाँ पे है उनका मेन मंदिर। तो ये है मंदिर का गेट। जय हो चिड़ेश्वर महादेव। देखिए मंदिर वहाँ नीचे है, तो मैं भी यहाँ से गोल गोल घूम के फिर हम मंदिर पे जाके पहुँचेंगे। तो गाइज ये है चिड़ेश्वर महादेव का मंदिर। यही बनाई। मेरे को बोला क्या कि यहाँ से। अच्छा, तो बेसिकली सुष्मिता बोल रही है कि कलाकार ने यहीं पे मूर्ति बनाकर उनकी स्थापना की है, तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये भोलेनाथ की। और वहाँ पे देखो नंदकेश्वर महाराज वहाँ पे बैठे हुए अपने भोले की प्रतीक्षा में। हर हर महादेव, हर हर। तो गाइस हमारी दर्शन तो हो गए भोलेनाथ के। वैसे हमारे में परिवार में सूतक हो रखा है, जिसकी वजह से मैं मंदिर के एकदम निकट नहीं जा सकता। सूतक इन द सेंस, हमारे यहाँ पे एक फैमिली ने डिलीवरी, एक बेबी की डिलीवरी हुई है, तो जिसकी वजह से हमें अलाउड नहीं है किसी भी मंदिर में जाना 11 दिन तक। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाया, बट मैं बैठ के थोड़ा सा ध्यान कर पाया हूँ और मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। वैसे कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज गवाणी है, ये स्वयंभू लिंग उनके द्वारा ही स्थापित हुई है। यहाँ पे आकर नहाते थे नीचे बेलंगना नदी में, तो एक दिन उनको आवाज़ आई कि क्या मैं भी आऊँ। तो बच्चे थे और उनको समझा ही नहीं कि ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है, तो उन्होंने एक दिन अपनी माँ को बोला कि माँ जब भी मैं नहाने जाता हूँ तो मुझे आवाज़ आती है कि मैं भी आऊँ। तो उस बच्चे की माँ ने बोला कि अगर तुझे वापस ऐसी आवाज़ आई तो तू आँख बंद करके अपनी झोली फैला देना और बोलना आ। तो उस बच्चे ने वैसे ही किया,
वो जैसे ही नहाने गया और नहा के जब उसे आवाज़ आई कि मैं भी आऊँ, यानी कि मैं भी आऊँ, तो उस बच्चे ने झोली फैलाई, पीछे मुड़ा, आँख बंद करे और कहा आ, तो उस बच्चे की झोली में लिंग गिर गया, शिवलिंग। और वो शिवलिंग भारी था जिससे उस बच्चे की झोली फट गई और शिवलिंग यहीं पे गिर गया। जैसे कहा जाता है शिवलिंग फिर स्थापना यहीं पे हो गई उस शिवलिंग की, तो ये स्वयंभू शिवलिंग है। और ऐसे कहा जाता है कि जब गांव में बारिश नहीं होती थी और हम गंवाणी यानी कि हमारी परिवार वाले यहाँ पे शिवलिंग में पानी चढ़ा देते थे एक बार, तो बहुत अच्छी खासी बारिश होती थी। तो ये हमारे परिवार क्या बोलते हैं, वैसे तो भोलेनाथ सबके हैं पर गवाणियों पर इनकी कृपा काफ़ी ज़्यादा है। तो बस मैं सोचा कि एक बार ही मैं भी दर्शन कर लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर वापस से कुत्तू की तरफ जा पाऊँगा या नहीं, क्योंकि बहुत चढ़ाई है, हालत ख़राब हो जाती है चढ़ते वक्त। तो आज आ गया मैं, इनके दर्शन कर लिए तो अच्छा लगा काफ़ी। अब जाते हैं कुत्तू की तरफ। तो गाइस वो रहा मंदिर और हम लोग यहाँ नीचे से आए अभी, और अभी थोड़ा ही और है मेरे ख्याल से चढ़ने के लिए और फिर हम लोग गुत्तू पहुँच जाएंगे। ये तरफ जो है नदी, इसको हम गाड़ कहते हैं, वो है भिलंगना नदी वो साइड पे। तो जो गंगी से होते हुए आई थी जो नदी, जो हम मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, वो यही नदी है। पर यहाँ पे बीच में डैम बना दिया जिसकी वजह से पानी का पूरा जो फोर्स का डाइवर्जन है चेंज हो गया है। बच्चे भी अभी छूट गए हैं और बच्चे भी अपने घर के लिए और जा रहे हैं, स्कूल छूट गई है ना। सुमित मिलेगा हम लोग को। तो गाइस वहाँ सामने रहा गुत्तू मार्केट और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले, सारे बच्चे भी छूट गए हैं अपने स्कूल से। आज सुष्मिता ने अपनी छुट्टी कर रखी है स्कूल की, उसने बोला टीचर कोई पढ़ाने नहीं आते, क्योंकि आजकल गाँव में इलेक्शन चल रहा है और सारे टीचर्स की भी ड्यूटी लगी इलेक्शन में, है ना सुष्मिता, जिसकी वजह से लेक्चर्स ही नहीं हो रहे इनके। तो सुष्मिता ने कहा आज के दिन मैं घर पे रुकती हूँ। गाइस आपको याद होगा चक्र गांव जिस पे मैंने ब्लॉग बनाया था, वो गांव यहाँ पे है और हम लोग अभी यहाँ से आए और जा रहे हैं गुत्तू की तरफ। गुत्तू ऑलमोस्ट 5-10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। गाइस यहाँ से शुरू हो चुका है गुत्तू मार्केट और मेरे ख्याल से अभी बहुत लोग लंच पे गए हैं, इसलिए थोड़ा मार्केट खाली खाली सा लग रहा है ना। इस वक्त खाना खाने जाते हैं ना सब लोग, तो बच्चे छूट रहे हैं। मुझे तो इतनी भूख लग रही ना, मुझे लगा था पहले मैं कुछ खाऊंगा नहीं, और मुझे पहले भूख ही नहीं लग रही थी क्योंकि रोटी अच्छे खाए थे। थोड़ा सा चल लो यहाँ पर, आपकी ना पूरी जो भी आपने खाया ना सब गल जाता है। तो ये है वो ब्रिज, हाँ नीचे देखो ना पूरा कचरा वचरा फैल गया ना। ये है भिलंगना नदी, यहाँ पे तो पूरे नदी की फोर्स ही चली गई है डैम की वजह से। पहले बचपन में जब हम गांव आते तब बहुत ज़्यादा फोर्स हुआ करता था। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे चाउमीन खाने, सुष्मिता के फेवरेट रेस्टोरेंट पे। सुष्मिता बोल रही है गुत्तू का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, तो मैंने कहा चलो यहीं से ट्राई कर सकते चाउमीन। तो गाइस ये आ गई है हमारी वेज चाउमीन और सुष्मिता का फेवरेट है ये। और ये आ गई है हमारी दूसरी डिश स्प्रिंग रोल, और हमने इसके साथ मंगाया कोक। तो गाइस हमारा लंच हो गया, आज हमने चाउमीन और स्प्रिंग रोल ही खाए थे। और है ना बारिश गिरने वाली है, ये देखो बालदा हुआ है। और मैंने सुष्मिता को बोला था कि हम लोग टैक्सी कर लेते थोड़ा ऊपर तक पहुँचेंगे तो फिर वहाँ से ईजी है। सुष्मिता बोल रही कि नहीं पैदल जाते, भाई मेरे तो बस का नहीं है। सुष्मिता बोलती है 15 मिनट में पहुँचेगी, मुझे तो 1 घंटा लगेगा और बारिश होने वाली, पता नहीं क्या। कौन है वो? शुभम भी आ गए, ठीक है अब देखते हैं क्या हालत होती है ऊपर पहुँचते पहुँचते। तो गाइस अभी हम लोग वहाँ से आए तो हल्की सी चढ़ाई थी, फिर सीधा रास्ता था और वापस से चढ़ाई है यहाँ से, और अभी हालत मेरी ख़राब होने वाली है। तो गाइस अभी हमें चढ़ के उस वाले गाँव पर जाना है, आपको दिख रहा होगा, देखो सामने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। तो गाइस एक चढ़ाई तो मैंने पार कर ली है, अब दूसरी चढ़ाई है वहाँ ऊपर जाने के लिए, हालत होने वाली ख़राब।
तो गाइस फाइनली वो चढ़ाई मैंने पार कर ली है। वो सामने है गुत्तू मार्केट। अभी हल्का सा चढ़ाई कम है पर आगे जाके बढ़ने वाला है, और बारिश के बादल भी आ चुके हैं। पता नहीं टाइम पे पहुँचते कि नहीं। सुष्मिता अकेले होती तो पहुँच जाती, मेरे से वो भी फंस गई। मेरा बैटरी भी बहुत लो है, 10% है। होपफुली घर जाते तक थोड़ा सा बचेगा बैटरी, लाइट भी नहीं आएगी। मेरा भी 6% बैटरी है। और आपको बता देता हूँ, काफ़ी नीचे से हम लोग अभी ऊपर आए हैं, अभी और ऊपर चढ़ाई है। सीरियसली गाइस हालत ख़राब हो गई है। तो गाइस यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें आधा घंटा लगा है, आधा घंटा और चढ़ाई है। बारिश भी स्टार्ट हो गई है, हमें लगता है चतुर चाचा लोग के यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि उनका घर ही नज़दीक है यहाँ से। तो गाइस वहाँ पे सामने देखो मेल्टा लगे हुए जो कि ऑरेंज के प्रजाति के होते हैं, और हमारे गढ़वाल में बहुत उगते हैं ये। और सामने आ गया किशन लोग का घर, ब्लू वाला घर जो आपको दिख रहा है वो किशन लोग का घर है ये सामने। और हमारा घर अभी और ऊपर है। हालत हो गई मेरी ख़राब। जो भी खाया था ना चाउमीन आधा प्लेट, पच गया वो चाउमीन पूरा। इसके लिए यहाँ के लोग ना मोटे नहीं होते गाइस, सीरियसली यहाँ पे कोई मोटा नहीं है, सब फिट है सब, क्योंकि लोग इतना चढ़ाई करते हैं। तो गाइस फाइनली 45 मिनट्स में, यूजुअली मुझे एक घंटा लगता है पर आजकल आदत पड़ रखी है मुझे गांव में चढ़ाई करने की, तो 15 मिनट कम लगे, वरना 1:15 तो आराम से लगता है। ऑलमोस्ट घर पे पहुंच ही गया हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फ़ोन भी चार्ज नहीं है, सिर्फ 2% बैटरी है। तो गाइस अभी रात के 8 बज रहे हैं और आज डिनर में एक स्पेशल चीज़ बन रही है। चाचा ने होटल स्टाइल में गांव में चूल्हे पे चिली चिकन बनाया हुआ है हमारे लिए, और हम लोग थोड़ी देर में डिनर कर लेंगे। तो गाइस ये है चाचा ने बनाया हुआ स्पेशल चिली चिकन, गांव में बनाया चूल्हे पे, तो बहुत अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। चाचा आपने पहले भी बनाया ना, पहले भी बनाया? हाँ, अच्छा अच्छा लग रहा है। तो गाइस डिनर तो हमारा हो चुका है, अभी काफ़ी रात हो चुकी है, ठंड हो रही है और काफ़ी थका हुआ, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए सी या।